हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे बीसीओएस 185 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच इज अबाउट द रीसेंट ट्रेंड्स इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ नोट्स। जिनको भी नोट्स चाहिए, चाहे वो बीकॉम हो या फिर एमकॉम से हो, आप हमसे नोट्स बाय कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। बीकॉम के लिए नोट्स की कीमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर है और एमकॉम के लिए वो 150 रुपीज पर पेपर है। सो इफ एनीबडी वांट्स टू बाय दोज नोट्स, दे कैन यू नो बाय इट। And yes, we are going to start with the today's topic, which is about the recent trends in women entrepreneurship. So let's start. So within the raising awareness and support from the government, institutions and individuals face of women entrepreneurship developing, witnessing positive and encouraging trends. Let us discuss that. Okay. Just a second. Okay guys, so extremely sorry, I had to have some water actually. So इसमें क्या कहने की बताने की कोशिश की जा रही है, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अवेयरनेस है कि यू नो कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस जो है, जो गवर्नमेंट है वो आपको उस तरीके से सपोर्ट कर सकती है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को काफी बढ़ावा दिया जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा और हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो इसी को समझने के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके कि किस तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप हमारे इंडिया में ग्रो कर रही है और क्या क्या रिसेंट ट्रेंड्स हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ वन ऑफ द कॉमन रीजंस फॉर वुमेन टू टेक अप एंटरप्रेन्योरशिप इज टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो यहाँ पे वो बताने की कोशिश की गई है कि वन ऑफ द जो मेन बेसिक रीजन है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का इतना बढ़ना, औरतें इतनी ज्यादा जो है एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए इंटरेस्टेड हो रही है क्योंकि वो भी जो है अपने लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहती है। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो है बढ़ावा है हमारे इंडिया में और लोग इस चीज की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, नॉट ओनली मेंस तो खैर है ही, काफी पुराने जमाने से मेंस जो है एंटरप्रेन्योरशिप का भाग रहे हैं, बट वुमेन्स में भी ये ट्रेंड हमें देखने को मिलता है कि वो लोग भी अब इस चीज में इंटरेस्टेड हो रही हैं। अदर रीजंस इंक्लूड एस्पिरेशन फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, है ना। तो अदर रीजन क्या हो जाएगा कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनको चाहिए, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल लिटरेसी उनको चाहिए, है ना। वो चाहती हैं कि चीजों को वो भी मैनेज करें, उनके पास टेक्निकल लिटरेसी हो, है ना, किस चीज को कैसे हैंडल करना है टेक्निकली, चीजों को उसको उनको पता होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट वो करना चाहती है, फैमिली में सपोर्ट करना चाहती है, जैसे मैं और मेरी मिसेज दोनों ही जॉब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही कमाऊं, सामने वाला बंदा भी कर सकता है ना। सो दिस इज पॉसिबल एंड फैमिली को सपोर्ट करना, हालांकि वी आर नॉट डूइंग एनी स्टार्टअप्स, वी आर डूइंग जॉब्स, बट स्टार्टअप्स में भी ये चीजें हो रही हैं कि लोग सपोर्ट करने के लिए अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को, वो लोग ये चीजें कर रही हैं। इकोनॉमिक नेसेसिटी, कम्युनिटी इन्फ्लुएंस, है ना, कम्युनिटी में भी उनका एक बहुत वर्चस्व रहता है जिनका बिजनेस काफी ग्रो कर जाता है। खासकर एज अ वुमेन अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाती है तो डेफिनेटली आपका एक वैल्यू जो है कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में आपका रहता है। एनजीओ इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, फैमिली बिजनेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। ये वो सारी चीजें हैं जो कि एस्पिरेशंस हैं उनके लिए कि ये सारी चीजें वो कर सकती हैं अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप को करना स्टार्ट करती हैं तो। ठीक है, ग्रोइंग लिटरेरी एंड प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ वुमेन इन टेक्निकल, वोकेशनल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एक्सेट्रा ड्राइव्स वुमेन टू टेक रिस्क विद कॉन्फिडेंस एंड सेटअप बिजनेसेस, है ना। तो जिस तरीके से उनका लिटरेसी स्किल बढ़ रहा है, प्रोफेशनल स्किल बढ़ रहा है, चाहे वो यू नो टेक्निकल चीजों के बारे में हो, वोकेशनल चीजों के बारे में हो, इंडस्ट्रियलिस्ट चीजों के बारे में हो कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप उस चीज में घुसे चले जाते हो, आप उस चीज को करना चाहते हो, है ना। जैसे कि रिसेंटली मैंने आईपीओ अप्लाई किया था टाटा टेक का और मुझे आईपीओ, पहला आईपीओ मेरे लाइफ में, पहला आईपीओ जो मुझे अलॉट हुआ है वो टाटा टेक का है। इसके पहले मैंने 3 बार अप्लाई किया था बट 1 बार भी नहीं हो पाया था, बट दिस वॉज द थर्ड टाइम व्हेन आई गॉट इट समथिंग, राइट। सो यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं भी जो है इस फाइनेंस वाले सेक्टर में कुछ काम कर सकता हूँ, है ना। हालांकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता, बट दिस गिव्स मी एडेड एडवांटेज, दिस गिव्स मी एडेड बूस्ट टू माई यू नो नॉलेज एंड यू नो माई कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। सो वुमेन्स के साथ भी वही सारी चीजें हैं, जब वो चीजें वो देखते हैं करते हुए किस तरीके से चीजों को किया जाता है तो वो चीजें उनको ड्राइव करती हैं, वो चीजें उनको बोलती हैं कि चलो तुम भी ट्राई करके देखो एक बार तुम क्या कैसे करते हो, है ना। दे आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सो एज टू क्वालिफाई देमसेल्फ टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड इन सम काइंड ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन, वोकेशन और बिजनेस, है ना। तो वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है अभी के टाइम पे, औरतें बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है ताकि वो स्पेशल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, आई मीन ले सकें, जिसके जरिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ सकती हैं, चाहे वो किसी तरह का ट्रेड करना हो, किसी तरह का ऑक्यूपेशन हो, आई मीन जॉब हो, है ना, या वोकेशन हो या फिर कोई बिजनेस हो, वो सारी चीजें वो लोग कर सकती हैं जब उसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल उनके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेनी वुमेन आफ्टर बिकमिंग प्रोफेशनल क्वालिफाइड
in medical sciences, engineering, etc., set up their own clinics or set up the provide services, है ना। तो जब कोई बंदा, जब कोई बंदी, आई मीन वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेती है, जब वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेती है, तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकती है, बिकॉज दे हैव द लाइसेंस, दे हैव द अथॉरिटी, राइट। सो वही बात है कि जब आपके पास कोई स्पेशलाइज स्किल आ जा रही है, तो आप उस चीज को बनाना चाहते हो, आप उस चीज को यूज करना चाहते हो, ताकि आपको जो है बेनिफिट्स मिल सके, है ना। और एस्पिरेशन तो मैंने बताया, वो सारी बेनिफिट जो मैं अभी बताई, एनजीओ इन्फ्लुएंस, फैमिली को सपोर्ट करना, इकोनॉमिक नेसेसिटी, ये सारी चीजें वो लोग कर सकते हैं अगर वो लोग इस तरह के स्टेप्स को लेते हैं तो, ठीक है। समटाइम्स, अच्छा, दे एक्वायर मेडिकल, सॉरी, दे एक्वायर ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ वीविंग, स्टिचिंग, ग्रूमिंग एक्सेट्रा, एंड सेट अप देयर ओन बिजनेसेस, है ना। वो लोग जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं कि किस तरीके से वेविंग का काम करना है, स्टिचिंग का काम करना है, ग्रूमिंग का काम करना है, जिसके जरिए वो अपने ओन बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। समटाइम्स फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्रिएट रीजंस फॉर फीमेल्स टू कैरी ऑन बिजनेसेस, है ना। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली सर्कमस्टेंसेस के कारण कई सारी फीमेल जो है अपने बिजनेसेस में लग जाती है, बिजनेसेस को वो टाइम देने लगती है ना, क्योंकि उनके फैमिली में वैसे सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं, है ना। तो वो सारी रीजन भी हैं। मेनी टाइम्स दे स्पिन ऑफ न्यू एंटिटीज और स्केल लेगेसी बिजनेसेस टू न्यू हाइट्स, है ना। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि वो लोग कुछ स्पिन ऑफ करते हैं, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर जो पुरानी लेगेसी है, जो पुराना बिजनेस है, उसी को वो लोग काफी हद तक बड़ा कर देते हैं, एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। सो दैट्स व्हाट वी सी इन ट्रेंड्स इन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया स्पेशली। Similarly, there are a lot of women entrepreneurs in small towns, smaller towns, or even in bigger cities who independently or mostly in groups set up cottage firms. है ना? बहुत सारी आपको औरतें मिल जाएंगी जो कि बड़ी सिटीज हो या फिर कोई छोटा सा गांव ही क्यों ना हो, वहां पे वो लोग ग्रुप बना करके एक कॉटेज फर्म स्टार्ट करती हैं। कॉटेज फर्म एज इन एक छोटा सा फर्म जहाँ पे जो बेसिक जो चीजें हैं उनको तैयार किया जा रहा है, उनको सेल किया जा रहा है ना। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड produce products which require competencies, है ना। ऐसे produce, ऐसे product को produce करते हैं जिसमें competency बहुत ज्यादा होती है ना। They already have like snack items, जैसे देखो snack items की बात की गई, pickles की बात की गई, pickles तो काफी common है ना, वो बनाया जाता है। Packed foods, बहुत सारे foods जो है जो कि packing करके बेचे आते हैं। आपको पता है कि जब हम लोग लेस का chips खरीदते हैं तो 5 रुपए का आता है, वेयर एज अगर आप गांव की जो चिप्स होते हैं, आप देखो दूसरे तरह के भी चिप्स होते हैं जो कि 5 रुपए में आते हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी उसमें देखने को आपको मिलेगी, है ना। तो वो काम होते वो लोग करते हैं, पार्लर्स वो लोग करते हैं, है ना। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वुमेन्स आर डूइंग इन दिस डेकेड, आप बोल सकते हो इन दिस सेंचुरी, बोलना ज्यादा दूर चला जाएगा, इन दिस डेकेड आप बोल सकते हो कि लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, सेल्फ इंडिपेंडेंस को लेकर के, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो यू नो प्लेइंग देयर पार्ट इन टुडेज इकोनॉमिक एरा, ठीक है। सो दैट्स इट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, ट्रेंड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, नोट्स आर अवेलेबल, इफ एनीबॉडी वांट्स टू बाय दे कैन हैव इट।